ये अपने दम पे ना स्टॉल चला रहे हैं। सोच रहे हो गाइस, देखो पहले सेटअप दिखाओ। तो छोटू मतलब ये सब अपने सरियाए हो, कैसे लेके आते हो? हाथ में माथा पे लेके आते हो? चाय बना लेते हो इतनी कम उम्र में? तो हेलो फूडीज, कैसे हो आप लोग? खैर बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल में अभी रैंडमली हम लोग इधर से मरीन ड्राइव से गुजर रहे थे, एक मुझे बच्चा मिला। तो कभी कभी होते क्या ना, माँ बाप ना कहीं पे बच्चे को बैठा देते, इनसे पूछे आपका स्टॉल है तो बोले मेरा स्टॉल है। हाँ बोले मम्मी पापा कहाँ हैं, तो मम्मी पापा इनके नहीं है एक्चुअली, ये अपने दम पे ना स्टॉल चला रहे हैं। सोच रहे हो गाइस, देखो पहले सेटअप दिखाओ। बड़ा सा जो पार्टी में फंक्शन में स्टॉल रहता है उस पर कप को सरिया के और अपने दम पे ये छोटे से बच्चे, पाँच कितने साल के हमें, 12 साल के बच्चे स्टॉल चला रहे हैं। हांडी में हमें चाय है और बिस्किट है कुछ, तो बात करते हैं इनसे। गाइस ये हमारे पास बच्चे हैं, आपका नाम क्या हुआ? जय। तो आप अकेले दम पे स्टॉल चला रहे हैं? झूठ नहीं ना बोल रहे, सही बोल रहे हैं? ये आप अपने ही दम पे ये चलाना है, मतलब स्टॉल लाए? तो पढ़ने लिखने की उम्र में क्यों है सब? पढ़ के आते हैं शाम में, यहाँ पे चाय बेचते हैं आप? मम्मी पापा आपके? अभी मम्मी पापा नहीं है इसलिए आ गए। पापा नहीं है? पापा अच्छा नहीं आते पापा। कभी कभी पापा ही बैठते हैं स्टॉल में? अच्छा ये बोलो, अभी फिलहाल में तुम चला रहे हो अकेले दम पे, चाय बना लेते हो इतनी कम उम्र में? कौन क्लास से पढ़ते हो? 5 क्लास से पढ़ते हो? भाई देखो भाई, गाइस छोटा इतना बच्चा है और ये इतना सा अच्छा से स्टॉल बना के, और चाय भी देखो भाई, ये देखो हांडी में चाय बना रहा है छोटू, बोलने में भी स्पष्ट है। पढ़ते भी हो ना, पढ़ाई भी जरूरी। तो छोटू मतलब ये सब अपने सरियाए हो, कैसे लेके आते हो? हाथ में माथा पे लेके आते हो? क्या स्टोरी है तुम्हारा यार दमदार। चलो चाय बना दो पिलर, कैसे कैसे बेचता चाय? 15 रुपये चाय। और नॉर्मल टी भी रखते हो? बस 15 रुपये चाय और कुछ नहीं? चलो सही है। और पानी का ये बोतल रखता है, ये सेटअप है इनका। देखो रैम डेमली हम लोग इधर से गुजर रहे थे और इधर वाले भैया हम पूछे, मतलब इनका अपना स्टॉल है तो यही बैठता है दिन रात, मतलब शाम में यही चलाता है, दिन में पढ़ता है। और सोचो भाई कितना हाइट का, बहुत छोटा है फिर भी चाय बेच रहा है। सोचो आप लोग बड़े बड़े हो के सोचते हैं स्टॉल चलाने के लिए, नामुमकिन है। बच्चा लोग स्टॉल चला रहा है, इसको शर्म नहीं आता है? इसके लिए ना चाय का भाई रियली बोल रहे हैं, बहुत अमेजिंग चाय है। बड़े बड़े लोग ना ऐसा चाय नहीं बनाते हैं। और मैं अभी लगभग 1 घंटा से इधर ही मैं घूम रहा हूँ, ये बच्चा अकेले दम पे चला रहा है स्टॉल। और चाय का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है भाई, क्या मिला है चाय में? इलायची चाय पत्ती बस, सब इसका खेल है। दूध तो बहुत अच्छा है, तंदूरी चाय एक तरह का ये मैं बोल सकते हैं। चाय कैसे लगा? बहुत अच्छा। ग्रेजुएट चाय का चाय पिए आप? हाँ पिए हैं, उससे बेटर है। ये छोटा बच्चा बना रहा है चाय, इससे बड़ा बड़ा बात क्या होता है? प्राउड फीलिंग हो रही है। प्राउड फील कैसे हो गया भैया, जब तक मतलब आजकल के बच्चे लोग पढ़ेंगे तभी ना आगे पढ़ेंगे, मतलब इस बच्चे को लेकर ये हाँ ये बात है। ये बच्चे टैलेंटेड है, टैलेंटेड है, कुछ भी काम कर लेंगे, जब चाय बना लेंगे इतना अच्छा। अब भाई चाय आप पीजिएगा ना, बहुत फन हो, मतलब अलग लेवल का चाय लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, धन्यवाद। देखो सब चीज़ है, पेटीएम वेटीएम सब रखा हुआ है। आजकल का बच्चे लोग ना जो मेहनती बच्चे लोग हैं, अभी ऐसे काम करना स्टार्टअप हो गए हैं, ये गलत मानते हैं एक्चुअली। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। तो खैर ब्लॉक तो भी, हाँ क्या भैया? सेल्फ डिपेंडेंट। तो भैया बच्चा है छोटा, 12 साल का एज है, सेल्फ डिपेंड कैसे बन सकता है? पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है ना, जरूरी है, मतलब आदमी पढ़ेगा तभी ना बढ़ेगा। वो तो है ही, फिर भी इसके पास इतना नॉलेज है, इतना कर ले रहा है भाई बिना पढ़ाई लिखाई के। जिंदगी में देखो पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज होता है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। तो खैर ब्लॉग को भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ये ध्यान रखिए भारत माता जय। और आप लोग आइएगा जरूर इसका ट्राई करिए, चाय ट्राई करिएगा, और नीचे कमेंट जरूर करिएगा इसका चाय का।